एकदम शुद्ध प्रेम है, निष्काम प्रेम है। बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, एक व्यक्ति वृंदावन में भेजा जाए, एक व्यक्ति को जा करके बोले कृष्ण आ रहे हैं, फिर कृष्ण को घुमा फिरा करके फिर हम द्वारका में ले आएंगे। बोले किसको हम ब्रज में भेजे? बोले ये उद्धव जी को भेजो, क्योंकि जो उद्धव है ना ये बड़ा बुद्धिमान है, ये कृष्ण का सखा है। कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव और मेरे में कोई फर्क नहीं, मैं ही दूसरे रूप में श्री उद्धव रूप में प्रकट हुआ है। और इनका गुरु कौन है? इतने इंटेलिजेंट थे, इसी जगत में कोई टीचर ही नहीं मिले उनको पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको स्वर्ग में बृहस्पति को पास में भेजा गया। इसलिए ये उद्धव जी को भेजा जाए। उद्धव जी बोले भैया मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण एक बार मेरे को वृंदावन में भेजे थे सांत्वना देने के लिए, मैंने अपना आंखों से देखा ये ब्रजवासी कृष्ण विरह में कैसे तड़पड़ा रहे। जब मैंने ब्रज में गया देखा कृष्ण की विरह में कोई कुहुकती नहीं, मयूर केला नहीं करते, गैया घास नहीं खाते, बछड़े दूध नहीं पीते, ब्रजवासी इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे, उनकी आंखों का जो आंसू है ना ये पर्ण रूप में पानी रूप में जमुना में मिल रहा था। मैंने ये चीज को देखा, मैया जसोदा तो बेहस होकर थी, शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, पूरा कपड़ा गीला हो रहा था, घर में खाना नहीं बन रही थी, घर में मकोड़े जाल बना दिए। और गोपियों का प्रेम जो मैंने देखा, कृष्ण जब से आए तब से, हाँ वहाँ पर एक उद्धव कियारी जंगल में तभी से पड़ी हुई सब गोपियाँ। फिर गोपियों ने मेरे को राधा रानी को पास में ले गए, हमने देखा राधा रानी को एक सुंदर कमल फूल का सज्जा में लेकर दिया गया, और राधा रानी के शरीर में अगूर कर्पूर चंदन की लेप दिया हुआ। लेकिन कृष्ण विरह में ऐसे व्यथित रहे, ऐसे कृष्ण विरह में हाँ उसको शरीर में ऐसे विरह है, अंकुर कर्पूर चंदन चुरचुर हो रहा था, कमल का सज्जा में पखड़िया सबके सब चुरचुर हो रहे थे। और हमने देखा राधा रानी क्या प्रेम हमने देखा, और मैंने प्रतिज्ञा करके आया मैं जरूर कृष्ण को ले करके ही आऊंगा। लेकिन कृष्ण को मैं जब जब ब्रजवासियों का प्रेम की बात बोलता हूँ कृष्ण तो थोड़ा रोता है, हाँ जाऊंगा जाऊंगा बोलता, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया। और मैंने ब्रजवासियों के पास में कसम खा करके आया था कृष्ण को मैं ले करके आऊंगा, लेकिन अभी तक मैं ले नहीं पाया। अगर दो बार जाऊँ ना बोले कृष्ण आएगा, बोले कोई झूठा आ गया, कोई झूठा फेर आ गया। बहका निकलिए भैया मैं नहीं जाऊँगा। बोले एक काम करो दाऊ भैया को भेजो। बड़देव प्रभु बोले मेरे भी यही अवस्था है, मैं भी ब्रज में गया कभी, ब्रजवासियों का विरोह को देखा, मैंने भी अपना गोपियों को साथ में तो मैंने रास किया, लेकिन कृष्ण गोपियों को मैंने सांत्वना नहीं दे पाया। मैं भी प्रतिज्ञा करके आया था लेकिन अभी तो कृष्ण को नहीं ले पाया, अगर जाऊँ ना मुझे उनको झूठा आ गया। अभी कौन जाएगा? अभी उनकी जो बहनी सुभद्रा थी, बोले देखो मैं स्त्री गोपियाँ स्त्री हैं, देखना स्त्रियाँ स्त्रियों के अंदर आपस में मिलजुल जाती हैं, एक स्त्री दूसरे स्त्री का हृदय को समझती है। बोले मैं जाऊँगी जा करके गोपियों की बात को मैं समझूंगी, उनको मैं बताऊंगी कि कृष्ण आने वाले हैं। अभी जब सुभद्रा जाने के लिए तैयारी हुई है, अभी बलदेव प्रभु सोच रहे हैं अपना बहन को अकेले कैसे छोड़े, पहले तो स्त्रियों को कोई अकेले घर से जाने नहीं देते थे, उनको साथ में भाई पति कोई जाया करते थे। बोले मैं अकेले बहनी को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बहनी को साथ में मैं जाऊँगा। बोले एक काम करो हम तीनों के लिए तीन रथ बनाओ। बलदेव प्रभु बीच में बहनी सुभद्रा बीच में रहेगी बहनी है और कृष्ण पीछे रहेंगे। अभी कृष्ण जब जगेंगे कृष्ण भी चलेगा, हम तीनों के लिए तीन रथ बनाओ। बोले नारद जी को बोले तुम सुंदर ब्रज का कोई कीर्तन करो। फिर से नारद जी बड़ा सुंदर ब्रज का बड़ा सुंदर उन्होंने कीर्तन किया। जब उन्होंने कीर्तन की जो कृष्ण ब्रज प्रेम में जो मूर्छित हुए थे धीरे 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 उनको चेतनता आई, तो इतने में कृष्ण ब्रज के लिए दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े इतने में द्वारका वासियों ने बोले बोले कृष्ण हमें पता था तुम वृंदावन जाओगे, हाँ तुम वृंदावन जाओगे, इसलिए कोई चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं बलदेव प्रभु सुभद्रा तुम तीनों चलोगे। अभी तीनों भाई बहन तीनों रथ में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? जा रही है वृंदावन। वृंदावन का क्या स्थिति देखो, अभी राधा रानी कह रही है हे ललित विशाखे
मैं और ये प्राण को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण बोल करके गए थे आज जा रहा हूँ, कल से मामा तो उधार करके परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों बोल करके बरसों बीत गया, अभी तक वो श्याम सुंदर आए नहीं। मैं बहुत कष्ट से ये प्राण को धारण करके रखा हूँ, मैं अभी अभी ये प्राण को मैं त्याग करने जा रहा हूँ। बोला देखो ललित, एक काम करना, मैं जब शरीर को त्याग दूंगी ना, मेरे जो शरीर ये पांच वस्तु से बना हुआ है, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, इसमें जो पानी है, ये पानी को लेकर के तुम यमुना नदी में जाओ। कृष्ण कम से कम यमुना जल में जो विहार करेंगे, कम से कम उनका शरीर को मैं स्पर्श करके जीवन को लेने वाला, लेकिन शरीर में जो मिट्टी है, बोले कृष्ण जहाँ पर क्रीड़ा करते चलते हैं वो मिट्टी को लेकर वहीं पर छोड़ देना। कृष्ण जब सखाओं के साथ में क्रीड़ा करेंगे, उनका चरण का स्पर्श को प्राप्त करूंगा, लेकिन शरीर में जो हवा है बाताश है, जब कृष्ण को हवा बाताश देते है ना, वो हवा में मिला देना, कम से कम कृष्ण शरीर को मैं हवा देती रहूंगी। शरीर में जो अग्नि है, पहले इसको सूर्य किरणों को साथ में मिला देना, कम से कम सूर्य को मैंने माध्यम करके कृष्ण शरीर में ताप दूंगी। इसलिए मेरे जो पांच जो चीज को द्वारा बना हुआ, वो पांच चीज में मिला देना, कृष्ण सेवा कर पाऊंगी कम से कम। इतने में राधा रानी प्राण त्याग देने जा रही थी, इतने में कृष्ण रथ में बैठ करके पहुंच गए। जब पहुंच गए, इतने में ललिता ने जा करके राधा जी की कान में बोले, हे राधे अभी प्राण मत छोड़ो, श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। राधा रानी प्राण त्याग देने जा रही थी, तब राधा रानी बोले श्याम सुंदर आ गए, बोले हाँ आ गए, अभी तुम प्राण त्याग मत दिया करो। जब कृष्ण वहां पर पहुंचे, राधा रानी की ये विरह को उन्होंने देखा, राधा रानी के प्रेम को दर्शन करते करते जो कृष्ण था ना, उनका जो शरीर धीरे 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 पिघलने लग गया, पिघलते 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 हम जगन्नाथ जी देखा ना, जगन्नाथ जी को कौन कौन देखे हो, देखना इतनी बड़े बड़े आंख, हाथ ऐसे प्यार है नहीं है, उनका शरीर कैसे, क्योंकि राधा रानी के प्रेम में ये द्रवीभूत हो गए श्री जगन्नाथ जी। इतने बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी राधा जी का प्रेम को देख करके वो भी धीरे 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 वो भी द्रवीभूत होकर के बलदेव प्रभु बन गए, और सुभद्रा जो थी बहन वो भी ब्रज प्रेम को देख करके वो भी द्रवीभूत हो गई, और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र, वो चक्र भी धीरे धीरे पिघलते हुए वो भी धीरे धीरे लकड़ी जैसे बन गया। इतने में श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए, नारद जी प्रकट होकर के बड़े सुंदर कीर्तन किए, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 और राधा रानी इतने में राधा रानी बोले है ललिता दिशा के, बोले कृष्ण को संभालो, पहले उनको संभालो, इसलिए ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं, ये ब्रज प्रेम में राधा जी के प्रेम में ये द्रवीभूत होकर के रूप धारण किए हैं, इसलिए ये प्रेम भगवान की ये प्रेममय विग्रह श्री जगन्नाथ जी। इसलिए कल जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आप लोग सबके साथ सर धज करके कौन सा कपड़ा, कौन सा रंग के कपड़ा पहन देता हूँ, कौन सा, हाँ और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, एक रंग होनी चाहिए, कौन सा रंग है, पीला। और हमारे भैया लोग जिनके पास में धोती होगी अच्छी बात है, कोशिश करना धोती
कुर्ता पहन करके आए, और जिसको पास में नहीं है कम से कम कोशिश करना सफेद रंग का पैजामा और कुर्ता पहनने की, ठीक है ना। और सबके साथ कल बता रहे थे ना ठाकुर जी को, कल जगन्नाथ जी को यहाँ पर छप्पन भोग लगेगा, जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वहाँ पर आपका हाथ में पर्चा दिए होंगे, इसलिए पर्चा को लेकर के अलग 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 चीज बना कर खिलाना, ठाकुर जी को भोग लगेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी को एक अन्न का दाना भोग लगा दो ना, किसी जीवन में अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए घर से कुछ ना कुछ ठाकुर के लिए कुछ ना कुछ बना कर खिलाना। और कल बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी रथ यात्रा करेंगे, पूरा पूरा परिवार को लेकर खाना। अभी हमारी बेटी एक सुंदर श्री राधे, और कोई माइक है राधे राधे बोल, बादशाह में बोल राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, मुख से राधे राधे बोल, Thank you.
श्री राधा कृष्ण पाद सहोदर ललिता श्री विशाल की फरिश एक साथ सबके साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम अर्पित करता हूँ और उनके अंत की वांछा करता हूँ। तदोपरांत जय श्री राम रविष्णु विष्णु भाव विष्णु दस श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई भाई सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी के आदेश से तो मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। श्री भगवान श्रीमद भगवद गीता में सातवें अध्याय में और 19वें श्लोक में बता रहे हैं, बहुना जन्म ना मनते ज्ञानवान मम प्रपदंते वासुदेवाय सर्वति सुमात्मा सुदुर्लभ। भगवान बता रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान पुरुष ज्ञानवान भगवान की शरण ग्रहण करता है ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, किन के बारे में बता रहे हैं, कौन है महात्मा, ये सब आप लोग हो। आप सब लोग अपना समय निकाल के इतना काम छोड़ के सब यहाँ आए हो। कल महाराज जी बता रहे थे ना कि भागवत में आना ही कितनी बड़ी बहुत बड़ी बात है आप सब लोगों पर, भगवान की कोई विशेष कृपा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। भागवत में आना, कथा सुनना, प्रसाद पाना, यहाँ तक कि प्रणाम करना, अगर कोई भागवत नहीं सुन पाता कोई आते मैंने देखा लोग प्रणाम करके चले जाते हैं, इसकी बहुत बड़ी महत्व है। रावण को सब जानते हैं, रावण एक बार रावण ने विभीषण को जब लंका से बाहर निकाल दिया धक्के मार के, तो विभीषण ने क्या किया, वो गए और भगवान श्री राम की शरण में गए। तो जब वो भगवान श्री राम से मिले तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री राम को देख के उनके चरणों में अपना सर झुका लिया, उन्हें प्रणाम किया। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, तुम्हारा कल्याण हो लंकेश। क्या संबोधन किया, तुम्हारा कल्याण हो लंकेश, क्योंकि भगवान दूरदृष्टा है, सब जानते हैं भूत भविष्य। तो ये जो प्रसंग था ये गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख रहे थे, तो ये लिखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए, जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कठोर तपस्या की, कई हजार लाखों वर्षों तक तपस्या की है, और भगवान अपने यहाँ तक कि अपने सिर को 10 बार कटवाया भगवान के सामने, अपने सर को 10 बार कटवा के रख दिया शिव के सामने, तब जाके वो लंका प्राप्त हुई। और विभीषण ने क्या किया, सिर्फ उस सर को भगवान के चरणों में झुकाया और सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये प्रणाम करने की भी इतनी महिमा है। तो इसी संदर्भ में मैं छोटी सी कथा कहने का प्रयास करता हूँ। एक बार एक गरीब ब्राह्मण काफी गरीब था, तो उसके घर में काफी परेशानी थी खाने पीने को लेके, तो उसको अपने गुरुदेव की याद आई, तो अपने गुरुदेव से मिलने गए। तो गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव को अपनी सारी व्यथा बताई कि गुरुदेव मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है और मैं काफी गरीब हूँ दरिद्र हूँ, कुछ उपाय बताए। तो भगवान ने गुरुदेव ने कहा एक काम करो, तुम पांडवों के पास जाओ, वहाँ भगवान कृष्ण है और वो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम जाओ उनकी शरण ग्रहण करो, उन्हें प्रणाम करो। तो ब्राह्मण चले गए, और तो ब्राह्मण जब प्रातःकाल वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण और अर्जुन महाराज जी भ्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा भगवान कृष्ण ने तो मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किया है, वनमाला धारण की है, लेकिन उसी के साथ में अर्जुन महाराज जी ने काफी अलंकार सोने हीरे मोती से जड़ित आभूषण पहने हुए। तो उनके मन में थोड़ा लोभ आया, वो भगवान कृष्ण की ओर न जाकर के अर्जुन महाराज जी की ओर गए और उन्हें प्रणाम किया। तो पहले ये रिवाज था कि अगर कोई ब्राह्मण आता है गरीब ब्राह्मण तो उसे दक्षिणा दी जाती है। तो अर्जुन महाराज जी के मन में भी थोड़ा अहम आया कि हाँ ये देखो मेरे पास आया है। तो उन्होंने उनके पास कुछ सोने की सिक्के थे, उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को सिक्के दे दिए। गरीब ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और आ गया। तो वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने देख लिया कि इस गरीब ब्राह्मण को सोने के सिक्के मिले हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको जंगल में जाके डाकू आए सारे के सारे और उन्हें लूट लिया। अब गरीब ब्राह्मण बड़ा रोया पछताया, दोबारा गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव को बताई सारी देर था। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम गए थे, उन्होंने कहा तो क्या क्या किया, उन्होंने सब बताया कि मैं अर्जुन महाराज भी गया ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव ने कहा दोबारा जाओ और भगवान कृष्ण को प्रणाम करो, उनकी शरण ग्रहण करो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ फटाफट। तो ब्राह्मण अगले दिन दोबारा चले गए, वहाँ पहुंचे तो इससे पहले कि ब्राह्मण खुद भगवान कृष्ण के पास जाते अर्जुन महाराज जी ने उन्हें देख लिया, अरे ये तो वही ब्राह्मण है, कल इसको मैंने इतना धन दिया था, इसकी गरीबी अभी भी दूर नहीं हुई, लगता है इसे और धन की आवश्यकता है। तो इससे पहले ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, अर्जुन महाराज जी ने उन्हें बुलाया इधर आओ और ये लो, तो उन्हें रत्न दिया, अंगूठी होती हीरा, एक रत्न दिया कि ये लो। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ कि इतना अमूल्य बहुमूल्य रत्न, इसे पाकर तो मेरे पूरे सात पुश्ते कभी भी गरीबी से नहीं मरेगी।
तो वो उस ब्राह्मण ने वो रत्न लिया और वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने कहा रत्न को मैं सुबह बेचने जाऊंगा, रात हो चुकी थी काफी, तो उसने क्या किया, ब्राह्मण ने अपने पास में एक घड़ा रखा हुआ था, तो उस खाली घड़े में वो रत्न रख के सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा वो घड़ा ही नहीं पास में, कहाँ गया घड़ा, इधर ढूंढा ढूंढा कहीं नहीं मिला, तो पता चला जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो घड़े में पानी भरने चले गई, और जो पानी भरा होगा तो पानी के साथ ही वो बह गया। अब ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, हो गया सत्यानाश, क्या करे क्या करे। दोबारा गुरुदेव के पास पहुंचे तो गुरुदेव को पूरी कथा बताई, तो गुरुदेव ने कहा मैंने तुम्हें जो बोला है तुम वो करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, जाओ दोबारा जाओ। तो ब्राह्मण ने इतना दृढ़ निश्चय करके कहा मैं भगवान कृष्ण की शरण में जाऊंगा और किसी से नहीं मिलूंगा और किसी से कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। गुरुदेव ने कहा है जो लेना भगवान से लो। तो गुरुदेव पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, उन्होंने प्रणाम किया, तो भगवान कृष्ण बड़े भक्तवत्सल है, उन्होंने देखा ये मेरी शरण में आया। तो भगवान ने देखा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुमने अपने पास देखा तो उनके पास कुछ दो पैसे पड़े हुए थे उस समय के, कुछ पीतल तांबे के साधारण सिक्के पड़े हुए थे, उन्होंने गरीब ब्राह्मण को दे दिए। तो ये अर्जुन महाराज जी देख रहे थे, तो अर्जुन महाराज जी देख रहे थे कि मेरा धन जब इस गरीब इसकी गरीबी नहीं दूर कर पाया तो भगवान के दो पैसे क्या इसकी गरीबी दूर करेंगे। अर्जुन महाराज जी देख रहे हैं, तो ब्राह्मण भी सोचने लगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, तब तक तो मुझे सोने के सिक्के मिल रहे थे और फिर रत्न मिल रहे थे, क्या पता आज नौलखा मिल जाता अर्जुन महाराज जी से। अब गुरुदेव ने कहा है कि भगवान कृष्ण के पास ही जाओ, तो चलो कोई बात नहीं, जो मिला है उसको लेके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो मार्केट में थोड़ा सा बाजार में आगे गए तो उन्होंने देखा एक मछुआरा मछली पकड़ के ला रहा है काफ़ी सारी, उसमें से एक मछली बड़ी छटपट छटपट कर रही है, तो उन्हें थोड़ा दया आई उस मछली पे, तो उन्होंने कहा मछुआरे से इस मछली को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आपके इसके बदले में आपको मुझे कुछ देना होगा, तो उन्होंने देखा उनके पास वो दो पैसे थे जो भगवान कृष्ण ने दिए थे, उन्होंने वो मछुआरे को दे दिए, मछुआरे ने मछली दे दी उन्हें, उन्होंने अपने पात्र में पानी भरा और जैसे ही मछली को पकड़ा उल्टा तो मछली के मुँह से वो रत्न गिरा कटोरे में, उन्होंने देखा है तो वही रत्न है जो पानी में डूब गया था और वो मछली ने खा लिया था। अब वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे देखो मिल गया मिल गया मिल गया, जिससे मैं ढूंढ रहा था मिल गया। तो वहाँ आसपास काफी लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ वही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने उस ब्राह्मण का धन लूटा था। अब वो डर गए, उन्हें लगा कि इस ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है और ये बोल रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, अभी हो ना हो ये राजा को जाके बता देगा कि भाई इन्होंने मेरा धन लूटा है, तो इससे पहले ये राजा महाराजा को बताए और हमें मृत्युदंड मिले। सबके सब गए और ब्राह्मण के पैरों में पड़ गए कि हमें क्षमा कर दो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हमें क्षमा कर दो, ये लो आपका धन, और ये लो आपका धन क्या हमारा भी धन ले लो ये लो, लेकिन किसी को मत बताना। अब ब्राह्मण बड़ा सोच में पड़ गया, पहले तो कुछ नहीं मिला था, जब मिला था सब कुछ मिला, तो ये वो इतना भाव विभोर हुआ कि अपनी गुरुदेव की याद है कि गुरु जी क्या कहना चाहते थे और मैं क्या कर रहा था। तो इस कथा के माध्यम से हमें तीन शिक्षा मिली। पहली शिक्षा जो अर्जुन महाराज जी को अपने पर थोड़ा अहम आ गया था कि मैं ही देने वाला हूँ सब कुछ हूँ, ठीक है। दूसरी चीज सब कुछ जाते हुए भी भगवान की सब कुछ चला गया उसके पास, मिल तो रहा सब कुछ गया उसे लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई, जो मिला उसी से उसकी उसने संतुष्टि की और उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो भगवान श्री भगवान भगवद्गीता में बताए अन्य चिंतयंतो मामे जना परुपार्षितो नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमं वयामि अहम्। इसमें बताते हैं कि भगवान कि जो मेरी अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, जो उसके पास है तो उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है मैं उसको वो प्रदान करता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज गुरुदेव ने बताया था उन्हें कि अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ भगवान से मांगो और किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो भगवान भी बताते हैं भगवद्गीता में कि कामे स्थे स्थे हृदय ज्ञान प्रपदंते न अन्य देवता तम तम नियमम स्थाए नियता स्वया, कि अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगो। इसकी व्याख्या में बड़ी अच्छे बताया कि जो व्याख्या की है श्री भक्तिवर स्वामी प्रभुपाद जी ने कि जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वह अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ये भगवद्गीता में लिखा है, मैं खुद नहीं बोल रहा। जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जो ब्राह्मण था जब वो परेशान था तो किसके पास गया, अपने गुरुदेव के पास। तो अगर हमें भगवान तक पाना है या भगवान तक पहुंचना है या कुछ भी पाना है तो हम बिना गुरुदेव के माध्यम से नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि ताते कृष्ण भजो करेर गुरु सेवन माया चाल छूटे पाए कृष्ण चरण। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले गुरु करना होगा, तभी हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। तो बिना गुरु के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, हमारा भगवान से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर हम सोचे कि हम भगवान की पूजा करेंगे, खुद
सब कुछ करेंगे बिना गुरु के तो ये संभव नहीं है। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे क्योंकि गुरु जी जो हमारे गुरुदेव वो मीडिएटर है, उनका भगवान से सीधा संबंध है। तो हमें किससे संबंध बनाना है? गुरुदेव से बनाना है। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव जो है हमारे वृंदावन से यहाँ आए। आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा, आपको यहीं गुरुदेव यहीं पुष्ट यहीं हो गए। और आपको जिसको भी लगता है कि हाँ हमें भगवान की सेवा करनी है या भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की को प्राप्त करना है, वो गुरु जी के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए किन के बताइए किन किन लोगों के पास नामाधार है? लगभग सबके पास होगा नामाधार, लेकिन मैं किस नामाधार की बात करूँ? आप जो कह रहे हो वो जो मोदी सरकार ने चलाया हुआ नाम आधार कार्ड है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस नाम आधार की बात कर रहा हूँ। जो वो आधार है ना नाम आधार, वो आपको यही चलेगा इस भौतिक जगत में, लेकिन ये जो असली नाम आधार है ना ये कहाँ चलेगा? आध्यात्मिक जगत में। आप यह पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग लोक जाओगे। पाप करोगे तो नरक लोक जाओगे। फिर क्या होगा? छीणे पुण्य मृत्यु लोक में विसंति, सारे जो तुम्हारे पुण्य खत्म होने का दोबारा यहीं आ जाओगे। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। न शशांको न सूर्य नो पाव का यथगतवा न निवृतंते तद धाम परमम, भगवान के धर्म धाम में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो जब तक ये कलयुग है ना, कलयुग ये नाम पे आधारित है, जब तक हमारे पास ये नाम नहीं होगा ना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। जब इस साधारण जगत में हम कहीं भी अपना कोई छोटा सा काम एक बिना नाम आधार कार्ड के नहीं जा सकते, कोई भी छोटा काम, तो क्या हम उस भौतिक जगत में भगवान के जगत में आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये हमारी क्या है? वहाँ की एंट्री है, ठीक है। तो मैंने तो गुरुदेव के माध्यम से ये अपना आधार कार्ड बना लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी हमारे साथ भगवत धाम चले, गुरु जी भी इसलिए आए, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप सब लोग अपना अपना आधार कार्ड गुरुदेव से छोटा बच्चा दो मिनट की बनेगा। ये दामोदर क्या कर रहे हैं? दो दामोदर गजेंद्र है, गजेंद्र प्रभु जी और उनका नाम चक्षुर्मीतमेतस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलधर्व सुभद्राय जगन्नाथ ते नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भक्ति विनायक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में थोड़ी देर में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरु परंपरा के चरणों में मैं योग्य प्रणाम करता हूँ तथा मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन शादी के चरणों में रखे योग्य प्रणाम। देखो एक बार की बात है, एक गांव में एक संत हुआ करते थे। वो संत पूजा पाठ इतनी करते थे जब वो पूजा पाठ करने बैठते थे ना तो खाना पीना सोना सब भूल जाते थे, इस कदर पूजा पाठ करते थे वो। तो एक बार उनका उन्होंने पूजा सुबह उठे पूजा पाठ करा अपना, हरि नाम करा भगवान का नाम करा और उनका मन हुआ कि आज मैं टहलने निकलूँगा बाहर घूमने के लिए निकलूँगा। अब गांव का एरिया था जो जगह जगह पर पेड़ थे, गांव के लिए पेड़ होते ना यार, जगह जगह पर पेड़ थे और धूप उतनी तेज थी उस टाइम पर बहुत तेज कि अगर तुम पेड़ से पत्ता जमीन पर गिरता भी था ना तो वो तुरंत जल जाता था, इतना तेज धूप थी उस टाइम। संत का मन हुआ उसी टाइम कि मैं घूमूंगा टहलूंगा। संत ने सोचा यहाँ तो धूप बहुत तेज है, मैं टहलूंगा ऐसे पैर में छाले पड़ जाएंगे। संत ने हरि नाम लिया, हरि नाम करते करते सोचा कि भगवान मेरे साथ हैं, अब मैं टहलने के लिए निकलता हूँ। अब वो जगह टहलने के लिए निकले ना, जगह जगह पर पेड़ थे तो छाई थी उसकी वजह से छाया, और जगह जहाँ पर पेड़ नहीं थे वहाँ धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी धूप थी पत्ता अगर जमीन पर गिर जाए तो वो जल जाए। तो संत हरि नाम करते करते भजन करते करते निकल पड़े और खूब दूर तक चले आराम से। जब देख उन्हें महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो हाँ कोई आ ही रहा था पर उन्हें कुछ दिखा नहीं, बस पीछे दो चरण देखे उन्हें, दो तो उनके थे और दो किसी और के, चरण अलग अलग होते हैं ना सबके,
अलग अलग फुटप्रिंट सबके हैं, तो दो उनके और दो किसी और के थे। जब वो आगे चले और तब देखा चरण गायब हो गए, और फिर आगे चले गए, उन्होंने एक बात नोटिस करी, कह रहे धूप में, जब वो धूप में थे तो चरण सिर्फ दो ही थे, और जब छांव में जा रहे थे ना वो, तो चरण सिर्फ चार दिख रहे थे। और उन्होंने इस बात का ना गलत मतलब ले लिया, उन्होंने सोचा कि सुख में तो भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे संग हंसते खेलते चल रहे हैं, और दुख में मुझे अकेला छोड़ दिया धूप में, और छांव में मेरे संग चल रहे हैं। तो संत को बड़ा मतलब वो मायूस हो गया कि अब भगवान ने मेरे साथ छोड़ दिया, मैं इतनी मैंने पूजा पाठ करी फिर भगवान ने मेरे को साथ नहीं दिया, तो मैं चल आऊँ। और वो संत ने प्रण ले लिया कि अब जीने का कोई फायदा नहीं है, जब भगवान ने साथ छोड़ दिया, जब भगवान ने उंगली छोड़ दी तो जीने का फायदा नहीं है ना, संत ने ये सोचा। संत जा रहे थे, संत को पता था कि आगे एक पुल टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, संत चल रहे थे पुल पे, संत को पता था कि मैं पुल पर चलूंगा तो वजन से पुल टूट के मैं गिर जाऊंगा और डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। संत जाने लगे, पुल पूरा पार हो गया। संत ने सोचा पुल कैसे पार हो गया, पुल तो टूटा हुआ था, इस पर हल्का सा वजन पड़ती है जो पुल टूटने वाला था, पर मैं पार हो गया। जब उन्होंने इधर उधर देखा कोई नहीं दिखा उन्हें, तो जब नीचे की साइड देखा ना पुल के, तो भगवान दोनों हाथ लगा के ऊपर खड़े थे पुल के, उसके बचाने के लिए सिर्फ, तो भगवान दोनों हाथ लगा खड़े थे। फिर वो और रोया, तरह मैंने भगवान के लिए क्या क्या सोचा, भगवान ने मेरा गुप्त रूप में साथ दिया। भगवान उसके सामने आए, कह रहे भगवान मैंने तो गलत सोचा, पर एक बात बताओ, आप धूप में तो मेरे दो ही चरण थे और छांव में चार चरण कैसे थे? तो भगवान ने कहा देखो धूप कितनी तेज है, एक पत्ता भी जल सकता है, और तुम्हारे पैर तो बहुत कोमल हैं, अपने पैर उठा के देखो इसमें छाले वगैरह हैं? कह रहे नहीं। अब मेरे पैर देखो, भगवान ने कहा मेरे पैर देखो उसमें कितने बड़े बड़े छाले हैं। तो उसके मतलब कह रहे थे जब मेरा भक्त सुख में होता है तो मैं उसे खेलने के लिए छोड़ देता हूँ, और जब वो दुख में होता है ना तो उसे अपने गोद में बिठा लेता हूँ मैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। सभी लोग प्रेम से बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। आनंद में आवे बोल हरे हरे को पता होगा, कल जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का कार्यक्रम है, ठीक है? तो कल जो रथ यात्रा है वो शाम 5 बजे से शुरू होगी यहीं से, ठीक है? जगन्नाथ जी है कौन, कितने कितने लोग, किन किन लोगों को पता है भगवान जगन्नाथ जी कौन है? अरे बहुत कम लोगों को पता है, आप लोग तो इतने साल से कथा सुन रहे हो, महाराज जी हर बार आते हैं, हर बार कथा सुनाते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है ना वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो महाराज जी आपको अभी कथा सुनाएंगे कि कैसे कृष्ण भगवान ने जगन्नाथ जी का वो रूप धारण किया। देखा है आपने जगन्नाथ जी को, चौड़ी चौड़ी उनकी आंखें हैं, हाथ उनके इस तरीके से हैं, है? ऐसे उनके बड़े भाई हैं कौन? वंदे प्रभु, वेरी गुड। देखो छोटे से बच्चे को पता है, और बीच में उनकी कौन है, बहन कौन है? तो जगन्नाथ देव जी बलदेव जी सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकलती है, कहाँ निकलती है? पुरी में निकलती है। वैसे तो जो मुख्य यात्रा होती है पुरी के मंदिर में निकलती है जुलाई के महीने में, पीछे महाराज जी भी वहाँ थे, उसके फोटो भी मैंने फेसबुक पे डाले थे एक दो। तो कल जो है यहाँ उसी का छोटा रूप, उस रथ यात्रा का छोटा रूप यहाँ पर हम लोग नोएडा में रथ यात्रा भगवान जी की निकालेंगे, ठीक है?
तो रथ यात्रा के लिए पहले भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है, ठीक। 56 भोग जो है शाम 4 बजे लगेगा और उसके बाद 5 बजे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा यहीं इसी बरात घर से कम्युनिटी सेंटर से शुरू होगी। तो जो दीदी जो माता जी या जो भी अपने घर से भगवान के लिए बिना प्याज लहसुन का भोग अगर लाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 3 बजे प्रभु जी कह रहे हैं 3 बजे, तो वो हमारे महेश्वर प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं या यदुनंदन प्रभु जी से संपर्क कर सकते हैं। और बाहर बाहर बुक स्टॉल पे हमारी अनुराधा माता जी हैं, मास्टर ने जी, ठीक है, उन माता जी से संपर्क कर सकते हैं। सब लोग थोड़ा अलग अलग लाएंगे तो बाद में आप ही लोगों को प्रसाद भगवान का भोग लग के वो वापस बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो सभी लोग एक जैसी चीज लें, अलग अलग लाइए। और जितना जो भी भगवान ने कहा मेरी सेवा में एक अन्न का दाना जो अर्पण करेगा उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग भगवान की अगर सेवा करना चाहते हैं तो कल आप लोगों के पास एक अवसर है, उस अवसर का लाभ उठाइए, भगवान के लिए भोग बनाकर लाइए और फिर जगन्नाथ जी का भोग लगेगा। और जन्माष्टमी का दिन भी कुछ कुछ बना बना कर खिलाना, ठीक है। जगन जन्माष्टमी परसों जन्माष्टमी है उसके लिए भी बुला सकते। उसके बाद जो रथ यात्रा का रूट है वो यहाँ से सेक्टर 55 से पहले हम लोग जो ये इसका मेन गेट है वहाँ से निकलेंगे, वहाँ से मेन रोड से होते हुए चौड़ा मोड़, चौड़ा मोड़ से मेट्रो हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल से वापस मेट्रो हॉस्पिटल के पीछे वाली जो गली है सेक्टर 12 की, वहाँ से होते हुए मेन रोड पर ESI कॉलोनी और ESI कॉलोनी से फिर वापस यहीं पर शेष होगी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और यहाँ आने के बाद उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। अगर बीच में अगर किसी भक्तों का घर पड़े कोशिश करना जगन्नाथ जी को स्वागत करने के लिए, जैसे थाला में आरती लेकर के ठाकुर जी को आरती उठाने के लिए। तो और भी किसी को अगर कोई सेवा करनी हो भक्तों के लिए प्रसाद की या जल की कोई भी व्यवस्था करना चाहते हैं, आरती तो करनी ही चाहिए अगर भगवान का अवसर मिले, भगवान की सेवा का अवसर मिले, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाहर जीत प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, तो हम और गाइड कर देंगे, थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, व्यवस्था के साथ कर सकते हैं। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना यह है, वैसे तो पुलिस भी हमारे साथ रहती है हर साल, लेकिन आप सभी लोग भी व्यवस्था बनाकर चलें, क्योंकि शाम का समय होता है और रोड पर ट्रैफिक बहुत होता है, ठीक है। तो हम सब लोगों को ऐसे वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से चलना चाहिए कि लोग भी कहें कि देखो गौड़ीय मठ की जो है जगन्नाथ रथ यात्रा निकली और कितना हरिनाम उच्च स्वर में करते हुए ऊंची आवाज में कीर्तन करते हुए भगवान को साथ लेके और फिर वो लोग निकले, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कीजिएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आप में से किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो जाए तो आप जरा हमें क्षमा कीजिएगा। अपना तिलक लगाकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के या दीदी लोग जो भी साड़ी वगैरह पहन के आना चाह रहे हैं जिससे सोने चांदी के कहने अनुसार, हाँ, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप बिल्कुल कोई भी कीमती सामान किसी भी तरीके का, इवन मोबाइल भी लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, हम किसी को कह नहीं सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी कोई सोने की चेन, कोई सोने की अंगूठी या कोई भी नेकलेस वगैरह बिल्कुल पहन के ना आए, पर्स लेके बिल्कुल ना आए टांगने वाला जिसमें बहुत ज़्यादा रुपए हो, ठीक है। ये हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस तरह से व्यवस्था में हमारा सहयोग करें। परसों जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी का उत्सव जो है शाम 5 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा, ठीक है, और 12 बजे जो है फिर भगवान का भोग लगेगा यहाँ पर। तो उस दिन जो है थोड़ा पब्लिक भी ज़्यादा होती है और उस समय कार्यक्रम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कथा भी ज़्यादा होती है, झांकियाँ बीच बीच में निकलेगी, तो आप लोग समय से आएँ और कथा में पूरा पूरा जो है आप लाभ उठा। उस दिन कितने से कथा सुनोगे? 5 से 12। 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर 6:30 बजे हम लोग कोशिश करना 6:30 बजे ठाकुर जी आरती होगी, फिर आरती के बाद में फिर 7 बजे कथा शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम लोग 6:30 बजे कोशिश करने आने के लिए आरती के बाद में फिर कथा शुरू होगी। उसी दिन बड़ी सुंदर सुंदर हमारे कुछ जो माताएँ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएँ बनाएंगे, उसी दिन बड़े सुंदर सुंदर नाटक करेंगे, उसी दिन इसलिए बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे, उसी दिन
हम लोग कोशिश करना व्रत रहने के लिए, ठीक है। उस दिन कोई जैसे एकादशी रखते हैं उसी तरह कोशिश करना एकादशी जैसे रखने के लिए, और हो सके तो रात 12 बजे तक अगर व्रत रख सकते हो तो अच्छी बात है, जो रख सकते हो। अगर नहीं रख सकते हो फिर आप बीच में जैसे कोई जूस वगैरह हो, फल वगैरह हो, खाना, लेकिन कोशिश करना अगर हो सके तो रात 12 बजे के बाद में चरणागत कर लेकर के व्रत खोल करके यहाँ फलाहार सभी के लिए मिलेगा, प्रसाद लो, ठीक लेना, ठीक है। देखना घर में कभी झगड़ा हो जाए ना पति पत्नी में, दो दो तीन 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 दिन भूखे रह जाते हैं, उसी दिन सवेरे सवेरे अपना झगड़ा लगा लेना, फिर तो दिन भर भूखे रह जाओ, ऐसे नहीं। इसलिए कोशिश करना भगवान के लिए अगर रात 12 बजे तक रख सकते हो, रखना, नहीं तो बीच में ज़्यादा भूख लगे अगर रह नहीं सके फिर जूस फल आदि कुछ आप ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर रात 12 बजे तक अगर व्रत रख सकते हो तो उस दिन जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो घर में कितना प्रयास करते हैं, है? महाराज जी कितना प्रेरित कर रहे हैं आप लोगों को, है? अपने बच्चे के बर्थडे के लिए अगर हम पूरा शरीर पूरा परिवार सजाने में, लोगों को बुलाने में सब में लगे रहते हैं, तो ऐसे ही उस दिन तो जगत के स्वामी का बर्थडे, उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आप भी जैसे महाराज जी ने बताया वैसे ही व्रत रखिए। और अगर कोई सहयोग करना चाहे, जैसे गुब्बारों की सजावट है या धन से अन्न से भगवान के प्रसाद में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हरजीत प्रभु से संपर्क कर सकते हैं, यदुनंदन प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन भगवान का जब अभिषेक होगा रात को 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर फलाहार के प्रसाद की व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। तो यहीं से प्रसाद लेकर फिर आप घर जा सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाह रहा था, बाहर जो है ये बुक स्टॉल आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ आते हुए, तो इसमें जो आप बुक्स देख रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ही दिव्य किताबें हैं, बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं। गुरुजी जो हैं हमारे, गुरुजी की वाणी, उन्होंने अपने जो उपदेश हैं, अपनी जो शिक्षाएं हैं, वो उन बुक्स में लिखी हुई हैं। तो आप इन्हें ये मत समझिए कि ये साधारण किताबें हैं, ये तो कहीं भी जाते हैं कथा में बाहर स्टॉल लगा रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप इनका दर्शन कीजिए इन किताबों का, और भगवान की प्रेरणा मिले, गुरु जी की प्रेरणा मिले, तो आप इन बुक्स को जरूर लीजिए। किताब का कोई दाम नहीं, दाम जो है केवल जो उसकी छपाई है या कागज़ है केवल उसका मूल्य है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग बुक स्टॉल को एक बार जाइए, जरूर देखिए, उन किताबों को पलट कर देखिए, हो सकता है किताब पलटने मात्र से आपके मन में प्रेरणा आए कि हम ये खरीदें, और फिर किसी समय जब समय मिले आप उन्हें पढ़ें और उनसे फिर प्रेरित होके और फिर गुरु जी से बार बार आके पूछें। हाँ देखो, ये किताब के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। एक समय अमेरिका में, ध्यान देकर सुनो, एक समय अमेरिका में एक व्यक्ति प्लेन से उतरा जो ईश्वर के भक्तों गीता जयंती था, करीब 8-10 भक्त एक लाइन में अलग अलग जगह पर खड़े हुए थे। जब वो प्लेन से उतरा, बोले लो ये किताब लो, बोले वो क्रिश्चियन कैथोलिक से क्या किताब है, बेकार है, बोले दूसरे जगह पर, बोले भैया गीता लो, बोले उन्होंने देखा 8-10 लाइन करके खड़े हुए, सोचा भैया कितने को मैं ये करते रहूँ। उन्होंने $2-3 दे करके एक गीता ले लिया, गीता ले लिया। तो एक दिन वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में, संसार में दुखी दुखी में इतने डिप्रेशन में आ गया, बोले आज मैं सुइसाइड करूँगा। अभी देखा सुइसाइड करूँगा, इतने में उसका जो बंधु जिस ड्रा में था उसने वो ड्रा को खोला, खोलते ही जब उसने बंदूक को लेकर के शूट करना चाहता था, वो हाथ में बंदूक क्या आएगा, उसी में ही ये भगवद गीता थी, उसको हाथ में ये भगवत गीता आ गया। बोली कौन सा गीता है, कभी खरीद किया था? उसने वो पन्ने को पलटा, खोला तो वो पहला जो श्लोक था कृष्ण अर्जुन को कह रहे, बोले हे अर्जुन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांति। कृष्ण कह रहे अर्जुन, अगर जीवन में पूर्ण शांति पूर्ण आनंद पाना चाहते हो, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे ये विश्व ब्रह्मांड का संपत्ति तुम्हें सुख नहीं दे सकता, क्यों, ये जो संसार नश्वर है, अनित्य है, इसलिए अगर शांति पाना चाहते हो मेरे शरण में आओ। लेकिन हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये जो वस्त्र है, जैसे हम एक नया
वस्त्र पुराने हनुमान छोड़ करके हम एक नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर पुराना हो जाने पर उसको छोड़ करके हम एक नया शरीर धारण करते हैं, लेकिन इसकी अंदर में जो आत्मा है ये न जायते न म्रियते अज और नित्य शाश्वत आत्मा है, जो जल से भीगती नहीं, अस्त्र से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलती नहीं। वो आत्महत्या क्या करेगा वो व्यक्ति, वो सब ये सब बात उनको देश में तो कभी सुनने को नहीं मिलता, उनको जैसे कि नया रास्ता मिला। वो आत्महत्या क्या करेगा, वो रात भर वो गीता को पढ़ते रहा। भगवान कैसे अर्जुन को समझाते हैं, ये शरीर की आसक्ति छोड़ो, छोड़ करके आप आसक्ति करो भगवान में। ये शरीर हम नहीं, ये आत्मा हम है, ये शरीर तो बदलती रहती है। उसने रात भर उसने गीता को पढ़ते रहा और उसने सुइसाइड करा, छोड़ दिया। जैसे उसने नया एक तिब्बत ज्ञान मिली, उसने देखा भैया ये गीता आया कहाँ से, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, फोन नंबर था, उसने वो एड्रेस से फोन नंबर लेकर गया, इस्कॉन का कोई सेंटर था वहाँ पर गया और वहाँ पर संतों को साथ में उसने बात की। उसको इतना सुंदर कथा मिली, संतों ने इतने तिब्बत उनको समझाए, बोले बेटा ये संसार भगवान बनाया, ये दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है, संसार नश्वर है, हम चाहते हैं ये संसार की वस्तु में सुख देगा। भैया जो एक दिन नश्वर होने वाले अनित्य, वो तुमको कैसे सुख दे सकता है? हाँ सुख वह दे सकता है, भगवान दे सकते। क्यों? भगवान आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, नित्य स्वरूप भगवान। जब ठाकुर जी की शरण में शरणागत नहीं हो गई तब सुख नहीं पा सकते। उसने अपना सब कुछ छोड़ करके उसने साधु बन गया, वो अंग्रेजी था, जैसे हमें सन्यास लिया ना, उसने सन्यासी ग्रहण किया। अभी संपूर्ण विश्व में अभी वो संत जीवित है, वो सन्यासी ग्रहण करके संपूर्ण विश्व में अभी ये भगवद गीता को प्रचार कर रहा है, अभी भी वो गीता प्रचार कर रहा है। देखो जो व्यक्ति मरने जा रहा था केवल ये गीता को पढ़ने को खोल करके एक पेज पढ़ा तो उसका जीवन ही रक्षा हो गया है। इसलिए अब लोग जो भूख है ना, ये अद्भुत है, ये अद्भुत ग्रंथ है। गुरु जी ने बहुत कष्ट करके उसको ट्रांसलेशन किया, भगवान महाप्रभु ने क्या बताए, संतों ने क्या बताया, अद्भुत अद्भुत वाणी है। हमारा घर में उल्टा पुल्टा रोज न्यूज आता है, कितने पैसा जाता है, इसमें कोई बेकार चीज नहीं, केवल डिस्टर्ब करने वाले। लेकिन अगर भगवत गीता को कोई भक्ति का पुस्तक ले जाओगे ना, जिस घर में ये गीता भागवत का कोई सी भक्ति ग्रंथ रहता है, भगवान कहते हैं स्वयं उसी घर में मैं स्वयं उसी घर में ही अवस्थान करता हूँ। इसलिए जरूर कितना पैसा कैसे कैसे जाता है, लेकिन जरूर एक एक ग्रंथ लेकर के जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, ठीक है। और एक और चीज इसी में ग्रंथ के साथ ही हमारी एक पत्रिका निकलती है, द्विमासिक पत्रिका है, ठीक है। तो वो द्विमासिक पत्रिका का जो वार्षिक शुल्क है वो केवल 300 रुपए है, कि मैंने 1 रुपए से भी कम हर दिन का। तो घर में तो हम कितना पैसा खर्च कर देते हैं, इवन जो अखबार आता है हमारे घर में वो भी 5-6 रुपए का मेरे ख्याल में आजकल आता है। तो 1 रुपए से भी कम देकर हमको हर 2 महीने में एक पत्रिका आ सकती है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप इस पत्रिका का जो सब्सक्रिप्शन है, केवल 300 रुपए वार्षिक शुल्क है उसका, वो जरूर दीजिए। गुरु जी ने वो हमारे लिए समझिए अपना आशीर्वाद व्यवस्था कर रही है कि जितना भी हम उस ग्रंथ, वो जो पतली सी ग्रंथ है लेकिन वो घर में आएगी ना तो आपका निश्चित निश्चित मंगल होगा, इस बात की फुल गारंटी है। तो आप उस पत्रिका में भी अपना सहयोग कीजिए और उसकी मेंबरशिप लीजिए। इसके अलावा आज के प्रसाद की जो व्यवस्था है, हमारे अर्पण मेडिकल हॉल वाले जो प्रभु जी हैं और उनके परिवार की ओर से आज की गई है। इस परिवार को हमें सीख लेनी चाहिए, एक्चुअली इतना सहयोग करते हैं और हर साल कैसे गुरु जी की कथाएं सुन सुनकर इनके अंदर भक्ति बढ़ी है, एक ग्रस्त होते हुए भी। ये लाइव एग्जाम्पल है, हम सब लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर लगे रहे ना भक्ति में तो हम जरूर जरूर ऊपर आएंगे। तो मेरा इनके परिवार से प्रार्थना है कि वो आरती के समय आगे आए, भागवत जी की आरती करें, गुरु जी से आशीर्वाद लें और किसी समय गुरु जी भी हमारे भगवान हमें आशीर्वाद दें कि हम सभी लोगों के मन में प्रेरणा आए और आरती कर पाए हम भी भागवत जी की। अब इनके आप ताली बजाइए इनके लिए, इनके परिवार के लिए, बहुत बहुत बाहर भी सभी लोग बजाइए। हाँ।
और ठाकुर जी इनके ऊपर आशीर्वाद करे, खूब फलते फूलते रहे, हर जीवन में सुखी रहे। हाँ देखो, कुछ व्यक्ति हरिनाम लेने के लिए बोल रहे, तो गोपाल मंत्र लेने के लिए, जो ध्यान देकर सुनो, जो लोग हरिनाम ले चुके हैं, माला लिए हो, उसको बाद में नियम है गोपाल मंत्र लेनी चाहिए, क्योंकि गोपाल मंत्र के बगैर हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। जो मंत्र कृष्ण ब्रह्मा ब्रह्मा नारद जी को दिया और गुरु परंपरा से आए, उसी मंत्र से भोग लगानी चाहिए। कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे, पिछले जन्माष्टमी का दिन हम लोग 7-8-9 बजे अगर हम कोई आओगे जो हरिनाम लेना जो चाहता है, गोपाल मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, अब आ करके जन्माष्टमी का दिन अच्छी दिन है, आप उसी दिन आप ले सकते हैं। इसके अलावा आज के परिवार में हमारे यदुनंदन प्रभु जी, उनकी फैक्ट्री के जो सहयोगी हैं उन्होंने सहयोग किया है, सुनीता चौहान माता जी, हमारी सपना मैडम, श्रीमान सालिग्राम पाठक जी और उनका परिवार, श्रीमती कुसुम राणा जी उनका परिवार, और धनीराम शंकर जी, इन सभी परिवारों ने भी आज के प्रसाद में सहयोग किया है। आप सभी लोग ताली बजाकर इनका उत्साह वर्धन करें, भगवान इनको आशीर्वाद दें और ये सभी परिवार आगे आए और आगे आकर आशीर्वाद आरती करेंगे। आप सभी लोग थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखिएगा, आरती के समय थोड़ा सा पीछे रहें, पहले ये परिवार आरती कर लें उसके बाद आप लोग आइएगा, और प्रसाद में थोड़ा व्यवस्था बनाने में सहयोग कीजिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है माता जी और दीदी बहनों से कि आप इस गेट से और लाइन लगाकर प्रसाद लें, प्रसाद इनफ है, बहुत मात्रा में है, किसी को कम नहीं पड़ेगा, और प्रभु लोग जो है वो पीछे वाले गेट से लाइन लगा करें। हम लोग सब सब खड़े हो जाओ, अभी प्रभु जी के भजन गाएंगे, भजन से नाचना फिर आरती होगी, ठीक है। रथ यात्रा में एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लेकर आना, पूरा परिवार को, जितने आओगे सारे परिवार को लेकर आना। हरे बाप के बिहारी की देख छठा अजी I'm gonna make you mine.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
राधा रानी का पार्टी हार रही है और कन्हैया का पार्टी जीत रहा है। जितने मोटे मोटे सब खड़े हो जाते सब उसे छलांग लगा सबके मोटे सब पतले हो जाओगे। एक बार जय श्री श्री गुरु गोरंग गिरधारी जी श्री राधा।